हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज के करंट अफेयर्स 31 जुलाई 2020 के, तो ज़्यादा करंट अफेयर्स नहीं थे आज, पर दो को जो लेसर नोन चीज़ें हैं अखबार में वो आई हुई हैं। ठीक है, एक तो राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष। देखो, अगर तुम्हें याद हो, कुछ साल पहले तक मतलब अचानक ही रेलवे में ना बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे थे। 2015, 16, 17, 18, कभी ट्रेन के ट्रैक्स में कोई प्रॉब्लम होती थी, कई बार ट्रेन एक ही ट्रैक पे आके टकरा रही थी, कि बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हुए इन सालों में। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आई कि रेलवे सेफ नहीं लग रही थी लोगों को। तो देखो, अगर कोई मास ट्रांसपोर्ट की तुम्हारी चीज है जिसपे ज्यादातर लोग ट्रैवल करते हैं, कोई भी मास ट्रांसपोर्ट है जो, ठीक है, तो अगर लोगों का उसके ऊपर विश्वास ना रहे, लोग उसे ऑप्ट करना बंद कर देंगे, ऑप्ट करना बंद किया तो वो बहुत ज्यादा लॉस में जा सकती है। ठीक है, तो पब्लिक ट्रस्ट इसके साथ बहुत जरूरी है। तो रेलवे को अलग से सेफ बनाने के लिए एक राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष बनाने का फैसला किया गया है। इसका काम सिर्फ एक था कि हमने जो पैसा इन्वेस्ट करना है वो रेलवे की सेफ्टी पे करना है। इसमें हर टाइप की चीज आ जाएगी, तुम्हारे रेल ट्रैक्स, ठीक है, तुम्हारे रेल ट्रैक्स चाहे आगे, उन्हें सेफ बनाना, उन्हें लगातार चेक करते रहना, कहीं कोई रिप्लेस करने की जरूरत है, रिप्लेसमेंट, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे ट्रेन्स के लिए लेटेस्ट इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी इनबिल्ड करवाना, जैसे कि बाय चांस फॉग है, फॉग पासर होते हैं, जिससे पता चल जाता है दूर से अगर कोई ट्रेन आ रही हो तो पहले ही फॉग के थ्रू वो दोनों एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर पाती हैं, उन्हें पता चल जाता है कि कोई और ट्रेन भी आ रही है तो वो रुक जाएंगी अगर एक्सीडेंट हो। ठीक है, ऐसे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जो एक्चुअली एक्सीडेंट्स बचा सकती हैं, पर वही है, बहुत सालों से इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही थी, तो ये सारी की सारी टेक्नोलॉजीज कभी इंप्लीमेंट हुई ही नहीं इसके अंदर, रेलवे के अंदर। तो अब इसके बारे कुछ पॉइंट्स। तो फिर ये कोष, कोष का मतलब होता है कोई ना कोई फंड क्रिएट किया गया। ये एक तरह से रिजर्व फंड है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी के ऊपर इन्वेस्ट करना है। इसके अंदर फंड में टोटल 1 लाख करोड़ इकट्ठा करना था, ठीक है, मतलब सरकार के बजट से ही आना था 5 साल के लिए। हर साल सरकार ने 20,000 करोड़ सिर्फ इस फंड को देने थे, ठीक है, जिससे लॉन्ग टर्म में इसमें 1 लाख करोड़ आ जाएगा। ये 1 लाख करोड़ से करेंगे क्या, ये 1 लाख करोड़ एक तरह से सेफ्टी नेट बन जाएगा। बाकी बजट तो तुम्हारे पास हमेशा है ही है, जो तुम सेफ्टी के ऊपर भी खर्च कर सकते हो। ये स्पेसिफिकली सेफ्टी के ऊपर खर्च करने के लिए एक सेफ्टी नेट रिजर्व फंड बन जाएगा। लेट सपोज कभी किसी साल में ज्यादा खर्चा करना पड़े सेफ्टी के ऊपर, ज्यादा टेक्नोलॉजी पे पैसा लगाना पड़े, तब यहां से निकाला जा सकता है बिना जो सरकार का बजट है उसके ऊपर बजट के ऊपर कोई स्ट्रेस बढ़ाए हुए। ठीक है, तो ये सेफ्टी इसका मेन फीचर है, बिकॉज वो हाई प्रायोरिटी है। बाकी तो ये चीजें दिखाई गई, कैसे पुराने एसेट्स को चेंज करना है, नई सूटेबल टेक्नोलॉजी अपनानी है, बस वो तो आम सी चीज है। अगली चीज जो अभी तक पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ चुके हैं या आगे पढ़ रहे हैं, उन्होंने कल मतलब पिछले लेक्चर में दो नाम जरूर पढ़े होंगे, महात्मा गांधी का भी और मार्टिन लूथर किंग का भी। आज उसी के ऊपर एक न्यूज आई हुई है। तुम्हें पेपर में कैसे क्वेश्चन आ सकता है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है, गांधी किंग इनिशिएटिव इंडिया और किस कंट्री के बीच में है? मार्टिन लूथर किंग किस कंट्री के थे? हाँ जी, यूएसए। ये ऑप्शन सही होगा, यूएस ठीक है। तो मार्टिन लूथर किंग यूएसए के थे। तो तुम्हें डायरेक्ट, देखो ऐसे क्वेश्चन ना डायरेक्ट आते हैं, बाकी पॉइंट्स इतने रेलिवेंट नहीं रहते होते ऐसी चीजों के, इसमें यहीं से क्वेश्चन बन जाता होता है।
गांधी किंग इनिशिएटिव किन दो कंट्रीज के बीच में, इंडिया और यूएसए के बीच में, ये आंसर तुम्हारा सही होगा। ठीक है, तो हुआ क्या, ये गांधी किंग इनिशिएटिव तुम्हारे यूएसए में एक नया एक्ट बनाया गया, एक नया कानून पास किया गया। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंडर इंडिया और यूएसए के स्टूडेंट्स को एक्सचेंज प्रोग्राम मिलेगा, यानी कि तुम एक दूसरे के देश में जाके पढ़ पाओगे, पर सिर्फ गांधी और किंग के एक्सचेंज प्रोग्राम है ये। मतलब अगर किसी ने पर्सनली जाके मार्टिन लूथर किंग और उसके उनकी सारी चीजें पढ़नी है, तो यहाँ से इंडिया से लोग वहां जाएंगे, ठीक है, उनकी प्लेस ऑफ विजिट सारा, मतलब जितनी पॉलिटिकल थ्योरी उनकी किसी ने उसमें रिसर्च करनी है, तो किंग की रिसर्च वो यूएसए में जाके कर सकते हैं, और जो यूएसए के लोग गांधी में इंटरेस्ट कर गांधी में रिसर्च करने के लिए इंटरेस्टेड है, वो इंडिया आ सकते हैं। तो ये इस इनिशिएटिव का पर्पस है कि इन दोनों के ऊपर रिसर्च फोकस करवाना। ऐसा क्यों, ये दोनों पर्सन जो थे, इन दोनों का बिलीफ जो रहा है ना, वो हमेशा नॉन वायलेंस पर रहा है। इनकी मेन फिलॉसफी हमेशा नॉन वायलेंस थी, कि वायलेंस से एक्चुअली कुछ नहीं अचीव हो सकता। अगर तुमने कोई भी गोल, कोई भी लक्ष्य अचीव करना है, किसी को भी कन्विंस करना है, तो नॉन वायलेंस से करो। गांधी जी ने हमारे इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में ये यूज किया था, और मार्टिन लूथर किंग ने अमेरिका के लिए सिविल राइट्स के लिए। देखो वहां पे जो ब्लैक्स है ना, जो रेस है ब्लैक्स की, उन्हें बेसिकली इक्वल ट्रीट नहीं किया जाता था, बिकॉज स्लेवरी से आजाद चाहे जरूर कर दिया था, पर वही तुम्हें मैंने बताया, जब तक सोशल चेंज ना आए, कोई किसी को अपने बराबर मानने नहीं लग जाता। तो इन्होंने जगह जगह सरकार के थ्रू सिविल राइट्स की रिकॉग्निशन दिलवाई कि सबको राइट्स मिलने चाहिए, सिर्फ वाइट्स को राइट नहीं मिलने चाहिए, ब्लैक्स को भी राइट दो। तो इस कारण इनो इनकी जो जनरल फिलोसफी थी कि राइट्स, जो कुछ हक हैं, ये सबके होने चाहिए, ये बहुत पॉपुलर हुई थी अमेरिका में, और बहुत ही फेमस पर्सनालिटी रहे हैं ये उनकी हिस्ट्री में। ठीक है, तो दोनों की अल्टीमेट यही थी। मार्टिन लूथर किंग का इंडिया से क्या कनेक्शन है, मतलब ये इंडिया के साथ और गांधी के साथ क्यों कनेक्ट कर रहे हैं? देखो मार्टिन लूथर किंग ने इंडिया को विजिट भी किया हुआ है, ठीक है, इंडिया में उनको बहुत बड़ा स्वागत हुआ था, उन्होंने इंडिया को विजिट किया हुआ है। प्लस दूसरी चीज क्या है, मार्टिन लूथर किंग, गांधी जी, ये जो नॉन वायलेंस की फिलॉसफी है ना, ये उन्होंने गांधी जी से ली थी, तो वो गांधी जी को अपना आइडल भी मानते थे, वन ऑफ दी आइडल्स गांधी जी को मानते थे, वो इस वो उनके लिए इंस्पिरेशन फिगर थे। मतलब तो इस कारण इंडिया यूएस रिलेशंस में गांधी और किंग की इस इनिशिएटिव का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। ठीक है तो कुछ नहीं, बच्चों के लिए स्कॉलरशिप मिल रही है, ठीक है, फ्री ट्रैवलिंग का वो मिल रहा है, और कुछ नहीं है, पर तब भी ओवरऑल इनिशिएटिव के ऊपर तुम्हें क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है गांधी किंग ग्लोबल एकेडमी बनाई जाएगी, जो कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इनिशिएटिव्स पे काम करेगी बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस। इसकी एस्टैब्लिशमेंट के लिए यूएस इंडिया गांधी किंग डेवलपमेंट फाउंडेशन रखी जाएगी, जिसका पैसा यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट जो है, यूएस एड्स, वो देगा, ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, दोनों मिलके देंगे। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू लोगों को एजुकेट भी किया जाएगा, उनकी मेंटल ग्रोथ करवाने की कोशिश भी की जाएगी, और पूरी दुनिया को कन्फ्लिक्ट्स खत्म करने के लिए नॉन वायलेंस प्रमोट करने की तरफ लेके जाया जाएगा। ठीक है, ये इसका गोल होगा, जो गांधी किंग ग्लोबल एकेडमी बनेगी। क्लियर, इसका पैसा यूएसए भी देगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी देगी, दो जगह सेंटर खुलेंगे, एक इंडिया में एक वहां पे, तो दोनों एक दूसरे में कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे। क्लियर है, तो इसे स्टार्टिंग में 30 मिलियन पर ईयर 5 साल के लिए फंड मिलेगा, ठीक है, 2025 तक, उसके बाद ये खुद चलेगी। तो ये 5 साल के लिए ये खुद देखेगी कि किस एनजीओ को पैसा देना है, जो हेल्थ
पोल्यूशन या क्लाइमेट चेंज या एजुकेशन और एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ये सारे फील्ड्स हो गए, इन सब में काम करते हो एनजीओस, उन सबको फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी। क्लियर है? ये तो खैर सारे बेसिक पॉइंट हो गए, मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हें जो क्वेश्चन आ सकता है वो यहीं से आ सकता है, ये टॉप की चीज। ठीक है, जो सबसे ऊपर था। तो ये दो छोटे छोटे करंट अफेयर्स थे आज, कोई डाउट है तो पूछो। नो सर। नहीं? ठीक है।